दोस्तों स्वागत है आपका आशीष टेक्नोजोन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऐप क्रिएटर 24 में जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें आप स्टार्टअप के एड्स कैसे शो करा सकते हैं और उससे हाई अर्निंग वाले CTR से कमाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप एड एक ऐसा एड है जो कि आपको हाई CTR देता है, अराउंड 10-11 के आसपास आपको CTR मिल जाता है। तो जब आपका CTR हाई होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका अकाउंट में अर्निंग भी ज़्यादा होगा। एडवम्प से अच्छा स्टार्टअप एप की अर्निंग होती है, तो मैं क्या करने वाला हूँ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यू टैब में चलता हूँ और यहाँ पर एक लिंक पे पेस्ट करता हूँ, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने लिंक दे दिया है। तो आप जा करके वहाँ से आप साइनअप या लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, नीचे गोइट बटन पर आपको टैप करना है और यहाँ से आपको क्या करना है आप देख सकते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको या तो आप यहाँ से गिटहब से लॉगिन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर साइन इन विथ गूगल से कर सकते हैं या अपना जीमेल से डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे, कंपनी नेम एंटर करेंगे और आपको पब्लिशर में चूज़ करना है। मैं बता दूँ आपको एडवर्टाइज़र में क्या होता है कि आप अगर एडवर्टाइज़र हैं, अपने एड्स खुद के एड्स आप चलाना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइज़र चूज़ करिए, और अगर आप एक ऐप डेवलपर हैं, ऐप बनाते हैं, अपने ऐप्स में एड्स को इंटीग्रेट करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप पब्लिशर चूज़ करिए। और इसके बाद आपको ईमेल चूज़ करना है, पासवर्ड भरना है और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको प्रोमो कोड एंटर नहीं करना है, प्रोमो कोड आपको ब्लैंक रखना है, वो आपके एडवर्टाइज़र के लिए है। और अगर आपका एडवर्टाइज़र की आईडी है तो आप प्रोमो कोड एंटर कर सकते हैं। अगर आपका वो मिला है, अगर एड क्रेडिट है आपके पास तो आपको प्रोमो कोड दिया जाता है, मेल पर आता है, तो आप यहाँ पर एंटर करके कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे सब कुछ भरने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक द लाइट बल्ब, तो आपको यहाँ पे टैप करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे टैप करना होता है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ अपना फिल कर लिया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ से करने वाला हूँ क्या, यहाँ से नीचे लिखा हुआ है क्लिक द मैन, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक द मैन करके क्रिएट अकाउंट पर टैप करता हूँ। तो यहाँ पर कैप्चा एक्सपायर हो चुका है, इसमें फिर से करने वाला हूँ, तो क्लिक द टी शर्ट, मैं टी शर्ट पे टैप करता हूँ और क्रिएट अकाउंट पे मैं जैसे टैप करता हूँ तो ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ये चेक इन करेगा और इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर मेल सेंड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और इसके बाद मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आपके ईमेल पर ये मैसेज सेंड कर दिया है, तो आपको यहाँ से ईमेल पर जाना है और ईमेल पर जाने के बाद आपको यहाँ से अपना ईमेल रिफ्रेश करना होगा, और जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है वो कंफर्मेशन वाला। तो आपका यहाँ पर क्या करना है, नीचे एक बटन दिखा होगा, यहाँ पर आपको कंफर्म योर अकाउंट आपको इस पर टैप करना है। तो जैसे आप यहाँ पर टैप करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है क्योंकि ये आपका लोडिंग ले रहा है, वहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है, कन्फर्मेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। तो ईमेल आईडी में मैंने जो अभी सेट करा हुआ था तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड और डाल करके यहाँ पे क्लिक द सीजर वाला बटन है, तो आपको सीजर पर टैप करना है और साइन इन कर लेना है। तो जैसे ये साइन इन करेंगे आप तो थोड़ा सा चेकिंग होगा, और चेकिंग होने के बाद आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट होता है तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में एड्स कैसे चलाने हैं, कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको बताया जाएगा कि आपको अपना एड ऐप यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐप आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऐप का URL मांगा जाएगा जो कि आपके प्ले स्टोर में है। तो अगर आपका ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है तो फिर आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर क्लिक हेयर पर टैप करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने ऐप का नाम डालना होगा। जैसे मान लीजिए आपको अपना कोई भी ऐप डालना है तो मैं ऐसे टेस्ट ऐप डाल लेता हूँ, टेस्ट ऐप, ओके। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट ऐप एंटर कर लिया है, और इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि एंड्रॉयड है या फिर iOS, तो आप एंड्रॉयड के लिए ही बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ़ इज़ योर जनरेटेड फॉर किड्स, तो आपको यहाँ पर नो करके रखना है क्योंकि आप जनरेटेड किड्स करेंगे तो आपके अर्निंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारा रूल्स आपको लगाना पड़ेगा इसमें, बहुत सारा ये रूल्स लगता है ये यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया वाला बहुत सारा रूल्स इसमें लगा हुआ है, तो इसमें अर्निंग बहुत कम हो जाती है। तो आपको नो पर क्लिक रखना है और इसके बाद यहाँ पर एड ऐप पर आपको टैप कर देना है। तो जैसे आप इतना काम करते हैं तो आपके अकाउंट में थोड़ी देर में आपका, जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगा, यहाँ पर लोडिंग चल रहा है, तो आपका ऐप यहाँ पर ऐड हो चुका है और ये है आपके ऐप की आईडी। तो अब आपको इस आईडी को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पर अपने अकाउंट में लगा देना है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये है आपका यहाँ पर अकाउंट आईडी जो शो हो रहा है,
वही आपका अकाउंट आईडी है। और यहाँ पर अगर आपको ऐप देखना होगा तो माई ऐप्स में जाना है आपको, और यहाँ पर आपके जितने भी ऐप्स इंटीग्रेट रहेंगे वो सारे ऐप्स यहाँ पर शो कर दिया जाएंगे। तो देन आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टअप के अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और ऐप आईडी कैसे जनरेट करेंगे और आपका यहाँ पर पब्लिशर आईडी यानी अकाउंट आईडी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टार्टअप का एड्स अपने ऐप में कैसे शो करा सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।